हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तोसेंद्र कुमार साहू और आज हम लोग जाने के लिए निकल गए हैं श्री कुकुर देव मंदिर ग्राम खपरी मालीपुरी। जी हाँ दोस्तों, ये खपरी मालीपुरी का रोड है और हम लोग जाने के लिए निकल गए हैं, तो चलिए चलते हैं। बहुत पहुँचने वाले हैं दोस्तों, हम लोग श्री कुकुर देव सिंह मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ पे बोर्ड चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे मंदिर का नाम कुकुरदेव मंदिर खपरी जिला बालेश्वर से लिखा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार से हम लोग एंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे नारियल का दुकान लगा हुआ है। ये मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं और ये लोक कला मंच है दोस्तों। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, समय समय पर आयोजन किया जाता है और ये गणेश मंदिर है। गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। कहा जाता है कि ये जमीन से निकला हुआ प्रतिमा है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ज्योति कक्ष बना हुआ है। ज्योति कक्ष दिखाएंगे, ये हवन कुंड है। ज्योति कक्ष, ज्योति प्लस आप देख सकते हैं। सामने आप तस्वीर वाला जो देख रहे हैं और ये मंदिर स्वर्गीय कुमारी ममता यादव की स्मृति में आसन 1997 में बनाया गया है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान और इस मंदिर से थोड़ा ही जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है। यहाँ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, देख सकते हैं दोस्तों। सरस्वती जी विराजमान है और भगवान राम कृष्ण सीता स्थापित है। ये मुख्य मंदिर है दोस्तों, जो की समाधि समाधि है के नाम पर है। और यहाँ पे भगवान ने राम लक्ष्मण जिसमें कुछ लिखा हुआ है और चांद और सूरज की प्रतिमा भी बनाई गई है। ये मंदिर का और यहाँ पे मुख्य मंदिर के सामने में नंदी महाराज जी विराजमान है और ये मुख्य मंदिर के अंदर का हाल है जहाँ स्थापित किया गया है और साइड में देव समाधि स्थापित है, देख सकते हैं दोस्तों। इसी के नाम से ही इस मंदिर का नाम श्री देव सिंह मंदिर रखा गया है। इसकी कहानी आगे हम लोग यहाँ की श्रद्धालु और भक्तजन से जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे नवरात्रि के अवसर पर माता दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये मंदिर का संपूर्ण एक नाम कुकुरदेव ये कारण पड़े है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सिंधक नागवंशी परिवार मन हा बहुत दिन ले राज करत रहिस है। ओ समय नागवंशी काल के समय के बात है, कोई बंजारा हा व्यापार करे बर आए रहिस है
और बंजार करे साथ में कुत्ता भी लाए रही से, तो अकाल दुकाल वगैरह पड़ीस ना तो महाजन के यहाँ से कर्जा ली से और कर्जा अदा नहीं कर पाए कारण महाजन बहुत परेशान करी। तो एक ओकर पास वफादार कुत्ता रही से ओला गिरवी के रूप में रख दीस और गिरवी में रखे टाइम बोलीस कि ये कुत्ता बहुत वफादार है, स्वामी भक्त है, ये आपके जन धन के रक्षा कर ही, ऐसे करके बंजारा बोलीस। फिर वो महाजन ले गए ओला अपन घर। वही दरमियान 2-3 महीना बीतने के बाद में चोरी पड़ गए महाजन के यहाँ। तो कुत्ता का करीस, वो चोर ला देख के नहीं भूकीस, काबर भूकतीस तो मार देतीस करके जहाँ धन गड़ा रही सो जगल चुप्पे से देख लीस। फिर सुबह होइस तो फिर महाजन के धोती खिचत खिचत लेख के वो गड्ढल दिखाईस और जेमे ओला पूरा धन मिल गए। साहूकार महाजन हाँ खुश हो गए और वो कुत्ता ला जात और मालिक के पास ऐसे करके गला में चिट्ठी लिख के भेज दीस, गला में चिट्ठी लिख के भेज दीस। तो बंजारा एक घुमंतु परिवार हरे और वो घूमत रहीस तो एक कुल्हाड़ी भी साथ में लेके चलत रहीस। तो बंजारा देखी कुत्ता भग के आत है, मैं एला स्वामी भक्त वफादार करके बोले रहे हूँ, ये तो मोर आज बात ला नहीं मानीस, ऐसे करके बंजारा हा ओला रास्ता में ही मार दीस। मारे एक बाद में देखीस ओकर गलक चिट्ठी ला, तब वो रो रो के बहुत पछताईस और अपनो हम मर गए। ओकर नाम बंजारा के माली धोती रही से, ओकर नाम से ये माली घोरी पड़े है ऐसे महसूस होते हैं अमल्ला। और साहूकार के धन्यवाद करीस। फिर वो साहूकार है ना राजा के पास गीस, फनी नागवंशी राजा रही सो टाइम, तो राजा से बोलीस कि यहाँ एक दफन स्थल समाधि बनाबो करके। तो राजा के सहयोग से 13वीं-14वीं शताब्दी में ये मंदिर के निर्माण हो हैं। और मंदिर के निर्माण के समय बोलीस कि दफन स्थल बनाबो तो यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करही, तो वो जगह भगवान शिवला साक्षी मान के। और 5 और ऐसे चीज है जैसे सूर्य चंद्रमा जो कभी अस्त नहीं होए, सूर्य है, चंद्रमा है, ज्योति है और शिवलिंगला साक्षी मान के यहाँ दफन करीस। तो वो दफन स्थल आज एक स्मारक के रूप ले ले है और यहाँ हजारों पर्यटक साल में यहाँ दर्शन करे बर आते और अपन मनोकामना पूर्ण करते। साथ में जैसे कुकुर खांसी है या कुकुर काटने वाले मन भी यहाँ आते, वो यहाँ के भभूत और मिट्टी से ओला ओकर इलाज हो जाते। आपका नाम और गांव? नाम है मोर महेश राम साहू, केयर टेकर। मैं यहाँ ग्राम खपरी में रहता हूँ और मोर नाम मोहित कुमार निषाद हावे। यहाँ नवरात्रि में कार्यक्रम भी होते, कार्यक्रम के प्रयोजन करे जाते यहाँ, और यहाँ अपार श्रद्धालु हजारों में भीड़ रहते यहाँ। और यहाँ नवरात्रि पर्व में जोत जलते जो भक्ति के नाम से जाने जाते, और बहुत ज़्यादा जोत जलते यहाँ। और शिवरात्रि में बहुत ही भीड़ रहते श्रद्धालु मन के। मोर नाम पीलू राम निषाद है, मैं यहाँ ग्राम खपरी खपरी रहता हूँ। सरिता कौशिक नाम है मोर, सरिता कौशिक हरे। ये धरती फोड़ के निकली है गणेश भगवान हाँ, और छोटे से रही से ये बहुत बड़े हो गए। यहाँ बहुत देखे सुने लाते भाई, एकदम बढ़िया चैत में बैठते और कुंवर में नवरात्रि बैठते। और अभी अभी ये देव नेता आए रही से और का मांग मांग करे भाई। ग्राम खपरी गाँव बड़गई करता हूँ, यहाँ कुकुरदेव में भी पन्ना हूँ। यहाँ गणेश मंदिर है, कुकुरदेव मंदिर है, कृष्ण भगवान के मंदिर है, सरस्वती मंदिर है, और अभी विश्वकर्मा के अभी नवरात्रि पक्ष है, दुर्गा माँ की मूर्ति है ना। और शिवरात्रि में पूरा यहाँ मेला भरा थे, मंडाई होते, 6-7 गांव भी है, मैंने डांग डोरी सब आते। कुकुर देख मान्यता है कि यहाँ कोई आते ना श्रद्धालु कहीं कुकुर चाप देते आते, खांसी खोखरी वाले आते यहाँ, अगर वो हम मैंने पाँव पल ली अगर चल रही भभूत खा ली ना, उनमें सब आराम हो जाते।
शिवरात्रि मेला होते नवरात्रि पक्ष में भी कुंवार में और चैत में होते प्रतियोगिता भी आयोजन होते दोनों पर हम राम मुनि नाचा रामायण सब ऐसे होते सब चीज। अभी हाल ही में माननीय देव बघेल जी आए हुए थे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उन्होंने पौधारोपण किया। यहाँ पे श्री उमेश पटेल जी ने भी पौधारोपण किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर में पानी की सुविधा भी उपलब्ध है और ये मंदिर जी की पिछला हिस्सा है और यहाँ पे अभी भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की आस्था बहुत बड़ी है और यहाँ पे मंदिर की मंदिर का कहानी संक्षिप्त में एक बोर्ड में लिखा हुआ है।